मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ इसमें। बहुत सारे नौजवानों का सपना होता है पायलट को कुछ अनएविटेबल सर्कमस्टेंस आ गई। हेलो वेलकम एंड हिदरा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपी व्लॉग्स। जैसे आपने देखा मैं तैयारी करने लग गया फिर से क्योंकि मेरा एक और ट्रिप का प्लान शुरू हो चुका है। यस, और ये वाला ट्रिप काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मेरे पिछले 7 से लेकर 8 साल पुराना सपना था कि मैं ये जगह जाऊँ और ये जगह एक्सपीरियंस करूँ। तो उसके लिए अभी पैकिंग चालू है। जैसे आप देख सकते हो मैंने सामान निकाल के अरेंज कर दिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक बैग लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैंने कराई है सबसे सस्ती वाली टिकट। उधर मैं बस 3 दिन के लिए जा रहा हूँ और साथ में हमेशा चीप लगता है अगर आप एक हैंडबैग लेके जा रहे हो। जैसे जैसे आप अगर और एडिशनल लगेज आप ऐड करते रहोगे, कैबिन बैग ऐड कर दिया या फिर आपने चेकिन बैग ऐड कर दिया, तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसके। तो उसके लिए सिर्फ मैं एक हैंड बैगेज लेके जा रहा हूँ, सबसे सस्ती टिकट जो मिली, पर वो सस्ती टिकट भी बहुत महंगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा महंगी। आपको मैं आराम से बताऊंगा कितना क्या लगा है हमारा, पर अभी के लिए बस मुझे ये इतना सारा सामान जो दिखाया इसको मुझे एक चैलेंज है कि मेरे को अपने एक छोटे से बैग के अंदर से एडजस्ट करना है। मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ इसमें, मैंने 7 दिन की ट्रिप इटली वाली सिर्फ एक इस बैग के अंदर जो सामान रखा था उसके अंदर कंप्लीट की थी। तो ये तो मैं 3 दिन की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ तो मैं आराम से कर लूँगा, इसमें पैक कर दो फिर बाद में मिलता हूँ। सो कहा था ना गाइस मैं पैक कर लूँगा एक बैग के अंदर सारा सामान, तो मैंने पैकिंग डन हो चुकी है। अभी हो रहे हैं रात के 10:41, अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि मेरी ट्रिप फ्लाइट है सुबह 6 बजे की फ्रॉम कोलोन बॉर्न एयरपोर्ट। वैसे मैंने बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको रास्ते में जाते जाते बताऊँगा। अभी मुझे क्या है कि 5 घंटे पहले पहुँचना है, उन्होंने पहले से मेल कर दी थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस काफ़ी लंबा डिले चल रहा है। तो मैं और हीरो या रोहन दोनों हम जाएंगे यहाँ से 1:30 बजे की ट्रेन लेके। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उठ जाते हैं 2 घंटे बाद ही क्योंकि पूरे रात भर तो लगता नहीं हम सो पाएंगे और कल सुबह हमारी फ़्लाइट भी है वैसे, तो फ़्लाइट में ही बाद में जाके सोना होगा। तो अभी क्या करता हूँ, आपको मिलता हूँ बाद में 12:30 बजे। आपका लड़का फाइनली तैयार हो चुका है और अभी बज रहे रात के 1, जाने का टाइम है क्योंकि 1:30 बजे हॉफ पेन ऑफ से ट्रेन है। बैग वैग सब तैयार हो चुका है, मैं नहा धो के मैं भी तैयार हो चुका हूँ क्योंकि पता नहीं वहाँ जाके कब नहाना होगा क्योंकि चेक इन टाइम भी थोड़ा सा लेट है, वहाँ पे जाके बता दूँगा कितने बजे चेक इन टाइम है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और आपको ले चलते भाई, कहाँ जा रहे हैं आपको बताया नहीं ना, तो कोई बात नहीं आप चलो साथ में, आपको भी दिख जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और साथ में गाइस मैं अपना कैमरा कैरी नहीं कर रहा क्योंकि उधर लोकेशन में मुझे काफ़ी रिस्क लग रहा है क्योंकि मैं कैमरा पे ध्यान नहीं दे सकता और काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा मेरे को कैमरा लेके साथ में इधर उधर जाना, और जिस लोकेशन में जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अटेंड करनी है वहाँ पे, इसको वैसे अलाउड भी नहीं है इस कैमरा को लेके जाना, तो शूट भी नहीं कर सकता वैसे आपके लिए। तो इस बेटर कि मैं आपको फ़ोन में ही व्लॉग दिखाऊं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं होगी क्योंकि शुरुआत हमने फ़ोन से करी थी, वापस हम फ़ोन में आ गए हैं, पर कंटेंट एकदम ज़बरदस्त रहने वाला है। अगर आपको कोई भी चीज़ें ऑन द रियल टाइम मिस नहीं करनी तो गो चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी क्योंकि ये व्लॉग तो 100% लेट ही आएगा। पर अभी चलते हैं, ये ट्रेन मिस नहीं करनी क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं है, हमें पता नहीं फिर बाद में टैक्सी लेनी पड़ जाएगी जैसे शुरुआत में आपने देखा था। चलते हैं और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बॉर्न हैव बिन ऑफ अपने हीरो भैया के साथ। कैसा लग रहा है हीरो? बहुत सारे नौजवानों का सपना होता है, हाँ वो पूरा करने जा रहे। मैं कह रहा था मेरा 8 से 9 साल पुराना सपना है, इधर जाना है मेरे को जिंदगी में एक बार। पहले जब हम बीटेक में थे, एग्जाम देने से पहले मैं हमेशा जब भी पढ़ाई करता था उससे पहले कान में ये ईयरप्लग लगा के मैं सुनता ही रहता था ये सब चीज़ें, यार ये बहुत मस्त जगह है, बहुत जगह है, इधर जाना है, इधर जाना है। आज जाके वो सपना पूरा होने वाला है। अभी बज रहे रात के 1:25, हमारी ट्रेन है 1:33 को बॉर्न हैव बिन ऑफ से। पीछे फिलहाल तो मालगाड़ी खड़ी हो गई, अब देखते हैं अपनी ट्रेन आती है तो बताते कब आती है। अभी तो फुले जोश में बैग वैग पैक करके, एक ही सिंगल बैग है हीरो भैया का भी, मेरा भी, सस्ती टिकट करवाई है हमने। सस्ती नहीं है यार, बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। 80,000 लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। कितनी 80,000 की है? ओ भाई, तो ट्रेन आने दो, ट्रेन आने दो।
फाइनली गाइस हम पहुंच गए अभी अपने गेट के पास आफ्टर सो मच जद्दोजहद हम यहाँ पे पहुंच गए थे। हाँ फ्राइडे आ गया वैसे हम यहाँ पे पहुंच गए थे करीब 2:30 बजे करीब पहुंच गए थे और हमारा सिक्योरिटी चेक क्लियर कर होते होते हो चुके 4:30 सुबह के और हमारी फ्लाइट है 6 बजे सुबह के। तो लगा सकते हो कितने देर तक यहाँ पे खड़े हुए थे। इतनी भीड़ डिब्बी रोल्स में तो आपने देख ही लिया होगा कितनी भीड़ है। हमें यहाँ पे एक खाली जगह मिली गेट से थोड़ा सा दूर, हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट ही कर लिया जाए। अभी हमारी फ्लाइट है म्यूनिक के लिए, म्यूनिक जाके बताते हैं हम उसके बाद और कहाँ जा रहे हैं। म्यूनिक में हमारा लेवर है, जब इतनी महंगी फ्लाइट कराते हो तो हमें लेवर मिलता है नॉर्मली। सस्पेंस हम जिसके बाद बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के नाम पे वही है रेवी के खाने हमने लेके रखे हुए थे वही खाते हैं और जब फ्लाइट शुरू होती है तब बताते हैं। फाइनली गाइस अपनी बोर्डिंग भी शुरू हो गई है, लेट्स गो टू म्यूनिक ब्रो। म्यूनिक पहुँचाते हैं। हम पहुंच गए हैं म्यूनिक अपने ले ओवर वाले डेस्टिनेशन में हीरू भैया के साथ। तो बहुत नींद आ रही है भाई, बहुत कंफर्टेबल थी। हाँ अगले एक्सप्रेस का और सुबह के अभी हो रहे हैं 7, धूप के हिसाब से आपको लग नहीं रहा होगा पर हो रहे हैं। हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से 8:40 को, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा किल करने के लिए। सोएंगे हम, यही होता है किल हमारे लिए। पानी वानी दिए लुफ्तांजा वालों ने तो हम लुफ्तांजा से आए। हमारी लुफ्तांजा वाली कनेक्टिंग फ्लाइट है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एक मिनट, वो डेस्टिनेशन वाली फ्लाइट के गेट तक पहुंचने जा रहे हैं, पहुंच लेते हैं, बैठ लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। बक्सर में मिलते हैं, बक्सर में नहीं गेट में। गाइस हम अभी अपने गेट के सामने बैठे थे, अभी हो रहे हैं 9 बजे एग्जैक्टली, पर फ्लाइट यहाँ से खुलने का नाम नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही यहाँ से फ्लाइट खुलने का नाम? पायलट को कुछ अनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस आ गई, आपके मेडिसिन छोड़ देते हैं। हाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम कहाँ जा रहे हैं आपको हम पहुँच के बताएंगे यार। शेंगेन के बाहर जा रहे हैं। ये बोर्ड कब होगी बता दें, वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओके जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है अपनी और हम चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। कैसा लग रहा है स्प्लिट क्रोएशिया? अभी तो पहुंचे हैं, बस खाएंगे पाएंगे। वैसे हम यहाँ पे आए क्यों हैं? हम यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि वी आर अटेंडिंग द अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ यूरोप ऑन 2022 आफ्टर 2 ईयर्स जो यहाँ पे हो रहा है, तो इसको तो मिस नहीं कर सकते थे। एनर्जी कहाँ भैया, अब तो जान निकली हुई है भाई, कुछ खा लेते हैं, बहुत भूखे बैठे हैं। बस आपको बता रहा था हम पहुँच गए यहाँ पे सेफ एंड साउंड। और अभी हमारी होटल की भी चेक इन है 2:00 PM, उससे पहले सोचे भी खा पी के फिर बाद में वहाँ पे घुसते हैं, तो पहले कहीं ढूंढते हैं खाने के लिए, उसके बाद और बातचीत करते हैं इसके बारे में, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, चल चलते बातें करते हैं। क्या कह रहे भैया, इसके लिए आए हो भैया? इसके लिए भैया काफ़ी दूर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके आए हैं भैया।